इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत की बदलती सियासी तस्वीर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मोदी हुकूमत के किसी तरह भारत की धर्मनिरपेक्ष तस्वीर को कैसे मस्क करना चाहती है। वैसे तो कई मर्तबा भाजपा मोदी सरकार पर कईयों ने तंज किया है, पर भाजपा हुकूमत इस कदर अक्सरियत के साथ इख्तदार पजीर है कि किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब तो किसी तरह का सवाल भी मायने नहीं रखता। बड़े इल्मी दानिश्वर भी अपनी राय पेश करते हैं तो इसका कोई फायदा ना तो किसी भाजपा कायद पर नजर आता है, ना ही वजीर आजम पर इसका असर दिखाई देता है। इस तरफ कोई तवज्जो फरमाते हुए भारत की हुकूमत नजर नहीं आती। इन्हें शायद इसी में मजा आता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो या इख्तदार हासिल करते रहो। एक बार फिर भारत के साबिक सदर जनाब हामिद अंसारी ने शशि थरूर की किताब बैटल ऑफ बिलोंगिंग के रस्म इजरा के वक्त मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने ख्याल का इजहार किया। और जैसे इन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, एक बवाल मचा हुआ है मुल्क में। यहां तक कहा जा रहा है कि ऐसे शख्स को इस मुल्क का नायब सदर बनाया गया था जो आज मुल्क के मौजूदा हालात पर तंज कर रहा है। अपने ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त एतराज जताया और सख्त अल्फाजों से तंज करते हुए कहा कि कोरोना आलमी वबा से भी अगर कोई खतरनाक है तो मुल्क में बढ़ती जारहाना कौम परस्ती है, जिसे प्रखर राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। अवाम में इसी नाम से जहर फैलाया जाता है कि यही आपका राष्ट्रवाद है, जो मुसलमानों के खिलाफ अपना इकदाम करना, यही एक राष्ट्रवाद बनता जा रहा है। मुल्क के हालात को लेकर साबिक सदर हिंद काफी मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि मजहबी तशद्दुद की बीमारी ने मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया है। भाजपा आईटी सेल और भाजपा के सीनियर कायदों ने भी हामिद अंसारी के बयान की मजम्मत की है। कुछ लोगों ने तो इस बयान को मुल्क की मुखालिफत वाला बयान कहा, और खासकर अगर कोई मुस्लिम कायद या कोई ऐसा शख्स जो मुस्लिम है, अगर मोदी हुकूमत या भाजपा की गलत जहरीले प्रोपोगंडे पर बयान करते हैं तो राष्ट्र विरोधी ठहराना सबसे अहम मशगला बनता जा रहा है। भारत की बदलती तस्वीर को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने तो भारत को 2022 में हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा भी कह दिया। इससे पहले भी जब नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का कत्ल जायज ठहराने को लेकर भी कट्टरता का शायर बनाया गया, टीवी डिबेट किए गए, देशद्रोही ठहराए जाने लगा मुनव्वर राना को, ओएसी की जीत पर भी एतराज है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुसलमानों, तुम्हें ओएसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मैं तो शायर हूं, मेरी बात कहां मानोगे तुम? तुमने झुटला दिए, दुनिया में पैगंबर कितने। इनका कहना यह भी है कि हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी को ओएसी मदद कर रहा है। हामिद अंसारी मुल्क के बड़े अहदे पर फाइज थे। आज मुल्क में जहरीली सोच फिक्र पर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यह तकसीम करने वाली जहनीत ने मुल्क की अवाम को हम और ओ में बांट दिया है। भाजपा ने हामिद अंसारी के बयान को गलत कहा, वही कांग्रेस ने इसे सही ठहराया है। किताब के इजरा के वक्त जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया था। भारत के मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद हमें पाकिस्तान जाने का मौका सिर्फ भारत में बसने वाले मुसलमानों का था, पर उन्होंने टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, भारत के होकर रहे, इसी मिट्टी से वफादारी फरमाई। इससे पहले आजम खान ने भी यही कहा था कि यहाँ के हिंदुओं को पाकिस्तान जाने का मौका नहीं था, सिर्फ मुसलमानों का था, पर उन्होंने इस देश से वफादारी का मुजाहरा करते हुए यही रहे और इसी मिट्टी में दफन हुए। पर अफसोस कि आज इन्हीं मुसलमानों को लेकर नफरत की सियासत खेली जा रही है, सिर्फ जहरीले एजेंडे ही भारत में काम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा नफरत का माहौल बनाने के लिए एक बार फिर मथुरा काशी के फैसले को भी मुसलमानों के खिलाफ दिए जाने की बात की जा रही है। मथुरा की अदालत ने फैसले को तो टाला है, पर हिंदू महासभा का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बना ईदगाह गैर कानूनी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ ताजमहल भी हमारे निशाने पर है। वाजा रहे कि काशी मथुरा की मस्जिद काफी अरसे से हिंदुत्ववादियों के निशाने पर है। मोदी हुकूमत की इन्हें हिमायत भी हासिल है और सियासी इख्तदार तो इन्हीं रास्तों से हासिल होता है। पर क्या इन तमाम हरकतों से देश का आम शहरी खुश है? क्या वाकई मुसलमानों पर
मजालिम ढाने से ही मुल्क की तरक्की हो सकती है। आखिर इस मुल्क के शहरी क्या चाहते हैं, यह असल बात है। यकीनन बिहार में तेजस्वी यादव की जीत उम्मीद कह सकते हैं, पर दूसरी तरफ भाजपा की जीत भी कई सवाल खड़े करते नजर आते हैं। मतलब धर्म मजहब का तासुब भी कहीं तो काम कर रहा है, और यही संघीय विचारधारा की जीत होती नजर आ रही है। आज भी मुल्क के आईने हिंद जमहूरियत को बचाने की कोशिश की जा रही है, पर क्या यह कोशिश वाकई नतीजे बरामद कर सकती है? मुल्क के अक्सरियत तबके को बहुत संजीदगी से सोचना होगा। कई इल्मी दानिश्वर मुल्क की बदलती तस्वीर को लेकर काफी परेशान है। किस तरह फिरका परस्ती को रोका जाए, इस पर भी मशवरे तबादले ख्याल किया जा रहा है। काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लिहाजा मुल्क के हर फर्द को अगर भारत को पहले वाला भारत देखना चाहते हैं, तो कोई भी किसी भी पार्टी मजहब की बुनियाद पर चुनाव जीतना चाहती है तो इसे रद्द करे, अपना वोट भारत की एकता अखंडता के लिए करे। वरना हामिद अंसारी जैसे मुल्क के ऊंचे ओहदे पर फाइज शख्स जिस तरह मायूस हुए हैं, कई मुल्क का हर फर्द मायूस ना हो जाए, और यह मायूसी मुल्क को ले डूबने के लिए काफी होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।